पटेल मंगल कार्यालय येथे विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने हिंदू जनसंवाद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. या प्रसंगी विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय सहमंत्री शंकर गायकर, महाराष्ट्र गोवा मुंबई क्षेत्राचे बजरंग दलाचे क्षेत्र संयोजक विवेक कुलकर्णी, विश्व हिंदू परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट जय भोसले, शहराध्यक्ष विजय कुमार पादीर, जिल्हा मंत्री अनिल जोशी, विभागीय अधिकारी गजेंद्र सोनवणे, अमोल भांबरकर, बजरंग दलाचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल भंडारी, तसेच विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ती, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विविध हिंदुत्ववादी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आज देशात 400 आकडा पार झाल्यास जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा हा एकच मंत्र देण्यात येईल असे यावेळी बोलताना शंकर गायकर यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय सहमंत्री शंकर गायकर यांनी अधिक माहिती दिली. कहा जाओगे, कहा जाओगे आप? ये दिल्ली का सुल्तान कहीं तो जा सकता है, इटली जा सकता है, दुनिया भर कहीं भी जा सकता है, वो तो कहीं भी जा सकता है. आप और मैं कहां जाएंगे? और वो तो बोलता है मैं तो मुसलमान हुई, बोलता है ना, मैं अपने आप को मुसलमान मानता हूं, मेरी पार्टी मुसलमान है. अगर तुम मुसलमान हो तो इस जमीन का कर्जा चुकाना पड़ेगा. ये वीरों की भूमि है, ये शूरों की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, हर बूंद बूंद गंगा है, प्रणाम करो इस मिट्टी को. यही हमारी माता है, यही हमारी माता है, यही हमारी माता है, ये हमारी माँ है, ये ध्यान रखो. और कहीं जगह नहीं मिलेगी दुनिया में, कोई भी आपको स्वीकार करता यही माँ स्वीकार करती है. और जब तक ऐसी माँ होगी, इसलिए मैंने कहा 5 साल के बाद में आने वाला एक लोकशाही का उत्सव जो है, ये आपका मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है. आपको अभी तानाजी का रोल अपनाना है, आपको अभी बाजी प्रभु देशपांडे का रोल अपनाना है, आपको अभी संभाजी महाराज का रोल अपनाना है. क्यों तो तुम्हारा धन बेचने के लिए, खरीदने के लिए ये दलाल खड़े हैं, तुम्हारा धर्म के ऊपर थूकने के लिए ये दलाल खड़े हैं. अगर ये धर्म नहीं रहता तो कुत्ता तक हमको पूछेगा नहीं, ये ध्यान में रखो. इसलिए हम कहते काळाच्या जबड्यात घालून हात मोजतो दात जातही आमची, पा चाळून पाणी आमच्या इतिहासात. संत नारायण लढले लढले नवल काय ते घडले, अरे धडा वेगळे शिरले, धडई नुसते लढले, मुरारबाजी म्हणती त्यांना कथाही अमृत्वाची, पा चाळून पाणी आमच्या इतिहासाची, पा चाळून पाणी आमच्या इतिहासाची. एक एक इतिहास का पन्ना पलट कर देखो. मैं इतिहास याद कराने के लिए नहीं आया, इसलिए मैंने कहा ये अपने आप को, हम सबको अपना जो किरादार है, अपना व्यक्तित्व है, अपना जीवन है, ये अभी यही एक समय है, दाव पर लगाना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा. ये कुरुक्षेत्र है, मैं इसलिए कहता ये कुरुक्षेत्र है. और ज्यादा मैदान लंबा नहीं है, सारे तरफ से आपको घेर लिया है, ऐसा यह कुरुक्षेत्र है. और एक अभिमन्यु खड़ा है आपको और मुझे उसे बचाना है, इसलिए मैंने ये कुरुक्षेत्र है. आप और मैं अर्जुन का रूप लेकर मैदान में खड़े होने चाहिए. क्या होगा नहीं होगा, मैं अर्जुन के रूप में खड़ा रहूंगा, मैं भीम के रूप में खड़ा रहूंगा. जिस तरह से मेरे माँ द्रौपदी का अपमान हुआ था, जिस प्रकार से मेरे माँ का वस्त्रहरण हुआ था, नहीं हुआ, नहीं हुआ, विसरल तुम्ही, क्या तुमच्या आया बहिणी नव्हत्या, तुमच्या काकी मावी मामी आत्या वगैरे कोणी नव्हत्या, ज्या 4 लाख बहिणींवरती अत्याचार झाले, कपडे काढून त्यांच्यावर बलात्कार झाले, काश्मीर फाईल पाहिली की नाही पाहिली?
मेरे मुर्दा जिंदगी है जिंदा दिल का नाम, मुर्दे जिया नहीं करते, इसलिए मैंने कहा वो भीम की तरह अपना संकल्प अपने हाथ में लो, वो भीम की तरह वो संकल्प कभी भूलो मत। हमारे जवान भूले नहीं, इसलिए मैं कहता हूं मेरे जवान भूले नहीं, इसलिए मैं कहता हूं वो कैप्टन मनोज वो बदला लिया, अब्दुल हमीद वो जिहाद के लिए लड़ा, कैप्टन उस्मान 1947 का शूरवीर, कैप्टन उस्मान किसके लिए लड़ा? इस भारत माता के लिए, जिहाद के लिए नहीं लड़ा। एपीजे कलाम आजाद किसके लिए लड़े, किस लिए जिए? आप और मेरा सम्मान जिसने वापस दिया वो जिहाद करने के लिए जिए हैं। राम ने रावण के साथ में जिहाद किया था, इसलिए मैंने कहा कि आपको केवल इतनी बात में याद दिलाता हूं, आप मुझे क्षमा करेंगे। जब मन रोता है ना, दर्द होता है ना, जब 500 मुसलमान शंकर गायकों को घेर कर मारते हैं, गोले की बौछार करते हैं, लेकिन ये मेरी माँ की ऐसी मुझे आशीर्वाद है, मेरा माँ का ऐसा मेरे ऊपर वज्र ऐसा हाथ है, ये वज्र कौन है मुझे भेद नहीं सकता कोई, मेरी गौ माता मेरे साथ में, इसलिए ध्यान में रखो। अगर आप वोटिंग नहीं करेंगे तो आप पाप करोगे, अपराधी है आप, इस संविधान के अपराधी है, लोकशाही के अपराधी है, अब इस देश के अपराधी है, खूनी है आप। आप एक व्यक्ति को फंसा रहे हो जो सत्य का बर्तन लेकर चला है, सत्य का वसा लेकर चला है, जो सत्य को लेकर अपना जीवन बिता रहा है, उसको अपनी मां नहीं, उसको अपना बाप नहीं, उसको अपना परिवार नहीं, परिवार खोना पड़ता है। और इतना सब कुछ खोने के बाद में कोई कुत्ता बोलता है, कोई बिल्ली बोलता है, कोई खूनी बोलता है, कोई चोर बोलता है, उसके बाद में भी वो अमृत देता है, उसके बाद में वो अमृत देता है। और केवल अमृत नहीं देता, प्रधानमंत्री की शपथ लेने के पहले संसद के ऊपर पैर जाकर अपना मत्था टेकता है। ध्यान में रखो, मेरा नेतृत्व तो कैसा होना चाहिए, मेरा नेता कैसा होना चाहिए, मेरा महापुरुष कैसा होना चाहिए, एक त्याग संन्यास राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति कैसा होना चाहिए आप देख सकते हो। मैं आपको भीख मांगने नहीं आया, कटोरा लेकर नहीं आया, मैं आपको ये कहने नहीं आया कि आप इनको वोट करो, लेकिन वोट नहीं करोगे तो चोट हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा जब सब कुछ विष की तरह वो हलाल उन्होंने अपने अंदर बचा लिया है, और इसलिए मैंने आपको कहा कि आने वाले समय में केवल यहां पर सुनना, मैं सुनना सुनाने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हूं। आपको याद दिलाता हूं 1947 की 46 की बात, सियालकोट आपको याद होगा, सियालकोट याद होगा, और एक भी हिंदू खड़ा नहीं होता है, कोई गली से आवाज नहीं आती, एक तानाजी मालूसर नहीं निकलता, आदि लगीन कोंडा नीचे मग माझ्या रायवाचे पूरा संसार, म्हणून म्हटलं ना परंपरा इथे आमची थोर राष्ट्रपुरुषांची, शिवाजी राणा प्रताप बाबू चन्नम्मा कित्तूरची ऐसी परंपरा है, ये 412 ऐसा ही नहीं होता, ये गद्दी दिल्ली की गद्दी, ये राम राज्य ऐसा ही नहीं आता, ऐसा ही नहीं आता ये राम राज्य। और ये हमारे संतों ने भी ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा राम राज्य नहीं है, मरना पड़ता है, मिटना पड़ता है। और आज आश्चर्य लगेगा, इसी राम ने, हम कहते हैं ना कौन सा गाना है, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे,
राम नहीं दी लगता है आ? जब तक आप बुजदिल रहोगे, जब तक आप कमजोर रहोगे, जब तक आप विकलांग रहोगे, पैरालिस्ट होकर रहोगे, राम आएंगे? राम शस्त्रधारी है, राम भुजाधारी है, राम की हुंकार, राम का आवाज, राम का स्वर लंका को दहला देता है। वो रावण का सिंहासन डगमगा जाता है। कौन बड़ा है बताइए, कौन बड़ा है? राम बड़ा है, रावण बड़ा है? जिसके पास पैसा ज्यादा है, फौज ज्यादा है, जिसके पास जमीन ज्यादा है, जिसका बल ज्यादा है, इसके बावजूद भी एक वनवासी, एक आदिवासी अपनी फौज घर से नहीं लाता। छोटे छोटे जंगल के ऐसे वीरों को, जनजातियों को खड़ा करता है। राम ये समरसता का प्रतीक है। केवट भी उसका साथ देता है, शबरी उसका साथ देता है, निषाद उसका साथ देता है, एक गिलहरी उसका साथ देता है, एक अंगद उसका साथ देता है, एक हनुमान जी उसके साथ में लड़ते हैं। ये समरसता का प्रतीक है। ये ध्यान, मेरा राम केवल राजा नहीं, केवल ऐसा ही राजा मेरा राम नहीं है, एक लगान उसने अपना सब कुछ गवा दिया। कहा मेरा माझा राम वाला मला संगा। ये बोलते ना, जला देंगे, जला देंगे। अरे तुम कौन होते हो जलाने वाले? आप कौन होते हैं? जलाने की ये प्रक्रिया जो है, ये हमसे प्रारंभ होती है। हमारे हजारों, पंद्रह पंद्रह, बीस बीस हजार रजपूत नारियां ने हा जो जनसंवादाचा कार्यक्रम जो आहे हा एवढ्याकरता आहे, आता येऊ घातलेले लोकशाहीचा हा जो उत्सव आहे, मतदानाचं ते सगळीकडे सगळ्यांनी प्रत्येक व्यक्तीने मतदान केलं पाहिजे अशा प्रकारचं सरकारचा आदेश आहे आणि आमच्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे। भारत हा जवळजवळ 80% युवक या ठिकाणी तरुण आहे आणि त्यांचं वय 35 ते 55 दरम्यान आहे, त्यामुळं मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी कुठेही नोटा बटन दाबू नये आणि ज्या प्रकारे या देशाला संपवण्याच्या घोषणा केल्या जातात, भारत मातेला शिव्या घालण्याच्या घोषणा केल्या जातात, धर्माला शिव्या घालण्याच्या या ठिकाणी घोषणा केल्या जातात। आज या ठिकाणी जे काही एक प्रकारचं सेक्युलरिझमच्या नावाखाली जे आरक्षणाचं लांबून चालन या देशामध्ये चालू आहे, या ठिकाणी जागरूक राहून प्रत्येक मतदानाने आपण भाजी घेत नाही, ते एक राष्ट्रीय कर्तव्य आपण पार पाडत आहोत। हे 5 वर्षाने हे कर्तव्य पार पाडण्याचा आपल्याला योग आलेला आहे, म्हणून कुठेही न चुकता केवळ व्यक्तिगतच नव्हे तर संपूर्ण परिवारातल्या आपल्या नातेवाईकांना घेऊन त्याने मतदानाचा अधिकार बजावला पाहिजे आणि याच्याकरता आपल्या देशाचा इतिहास, आपल्यावर झालेली आक्रमणं, आपल्या देशामध्ये जे काय आज संपूर्ण नक्षलवाद, आतंकवाद पसरलेला आहे, याला लक्षात घेऊन या भूमिपुत्र हा हिंदू समाज जो आहे हा कशा प्रकारे टार्गेट केला जातो आहे याची जाणीव जमलेल्या हिंदू समाजाला देण्याचं कार्य या देशातले 140 करोड 140 करोड जर जागल्या तर जगामध्ये हिंदुस्थानला तोड नाही, म्हणून ही लोकशाही भक्कम झाली पाहिजे, ताकदवान झाली पाहिजे, समर्थ झाली पाहिजे, याच्याकरता हा जनसंवाद मेळावा या ठिकाणी आयोजित केला होता। ई नवा माढा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।